आप अगर अपने करियर डेवलपमेंट की प्लानिंग बना रहे हो तो करियर डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी करियर को चुनने से पहले आपको मार्केट्स में कौन सी जॉब इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड्स में है, आपको इसके ऊपर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट इन इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियोज़ में मैं आपको दुनिया भर में टॉप 10 जॉब्स के बारे में बता रहा हूँ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड्स में हैं। तो आपको अपने करियर को चुनने से पहले इन जॉब्स के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए कि ये कौन सी ऐसी जॉब्स हैं और किस जॉब प्रोफाइल के ऊपर कितनी जॉब ओपनिंग पूरी वर्ल्ड वाइड आ रही हैं और कौन सी ये जॉब हैं जो दुनिया भर में पसंद की जा रही हैं और सबसे ज़्यादा जॉब ओपनिंग इन जॉब प्रोफाइल के अंदर आ रही है। तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखो और जानो कि ये कौन सी ऐसी दुनिया भर में टॉप 10 मोस्ट इन डिमांड जॉब्स हैं जिनकी डिमांड और जिनकी जॉब ओपनिंग साल दर साल बढ़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी करियर को चुनने से पहले आपको जॉब प्रोफाइल और कौन सी जॉब इस वक्त दुनिया भर में अच्छा काम कर रही हैं, अच्छी ओपनिंग लार्क लेके आ रही हैं और उन जॉब्स की सबसे ज़्यादा डिमांड्स है, अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने करियर को प्लान करेंगे तो हमेशा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया भर में टॉप 10 जॉब्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कर रही है और ये डेटा मुझे मिला है लिंक्डइन के ज़रिए। लिंक्डइन बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और जॉब प्लेसमेंट भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है जहां पे कि कंप्लीटली दुनिया भर के प्रोफेशनल इस वक्त लिंक्डइन के साथ में जुड़े हुए हैं और कंप्लीटली प्रोफेशनल जॉब्स जो है वो लिंक्डइन प्रोवाइड करता है। तो ये डेटा मुझे लिंक्डइन से ही मिला है और लिंक्डइन की इंफॉर्मेशन के ही आधार पर मैं आपको इन 10 जॉब्स के बारे में बता रहा हूं। तो इनमें से नंबर 1 जॉब है आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब इस वक्त सबसे ज़्यादा इन डिमांड जॉब है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो नीड है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की नीड है और अभी 2022 और 2024 तक दुनिया भर में 18 मिलियन जॉब ओपनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर की आने, तो काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल है। अगर आप अपने करियर को सॉफ्टवेयर डेवलपर की फील्ड्स में बनाते हो तो आप एक प्रोफेशनल इस फील्ड में बन सकते हो। नंबर 2 जो जॉब प्रोफाइल है वो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आती है। हर कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है, सेल्स बढ़ानी है। हर कंपनी का पहला जो मेन मोटो होता है वो अपनी कंपनी की सेल्स को बढ़ाना होता है। ऐसे में वो अच्छे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को अपने यहाँ पे हायर करती हैं। तो यही कारण है कि दुनिया भर में सारी कंपनियों के पास में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब सबसे ज़्यादा है और अभी 2022 से 2024 तक 8.5 मिलियन जॉब ओपनिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की आने वाली है। नंबर 3 जॉब है आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर। हर किसी कंपनी में प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, नए नए प्रोजेक्ट होते हैं और हर प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में हर कंपनी के पास में प्रोजेक्ट के साथ साथ में प्रोजेक्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है और इसी वजह से 2022 से 2024 के बीच में 3.7 मिलियन जॉब्स जो है प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब ओपनिंग के साथ में आ रही हैं। नंबर 4 जो जॉब प्रोफाइल है वो है आईटी एडमिनिस्ट्रेटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हर कंपनी को इस वक्त आईटी की रिक्वायरमेंट है, आईटी की ज़रूरत है और हर कंपनी में आईटी सर्विसेज हैं। तो ऐसे में आईटी एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हर कंपनी में है और इसी वजह से 2022 से 2024 के बीच में 2 मिलियन जॉब ओपनिंग आईटी एडमिनिस्ट्रेटर की है। नंबर 5 जॉब है आपके लिए कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट। हर किसी कंपनी को अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन रखना है, अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो इसी वजह से हर कंपनी अपने यहाँ पे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को हायर करती है और इस वक्त हर कंपनी में कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट की जॉब्स अवेलेबल है। तो इसी वजह से इस 2022 से लेकर 2024 के बीच में 1.8 मिलियन जॉब ओपनिंग दुनिया भर में कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट जॉब ओपनिंग के साथ में है। नंबर 6 जॉब जो है वो है डिजिटल
मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, जिस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी डे बाय डे ग्रो अप कर रही है, वहाँ पे हर कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और प्रमोशंस के लिए डिजिटल मार्केटिंग को जा रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग ग्रोएबल इंडस्ट्री है और बहुत तेज़ी से डिजिटल मार्केटिंग डे बाय डे ग्रो कर रही है। कोविड के बाद इसने और तेज़ी से जंप किया है और अब हर कोई अपने प्रमोशन और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही जा रहा है। तो ऐसे में डिजिटल मार्केटर की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से सन 2022 से लेके 24 के बीच में डिजिटल मार्केटर की 1.5 मिलियन जॉब ओपनिंग दुनिया भर में है। नंबर 7 है आपके लिए आईटी सपोर्ट या हेल्प डेस्क। आईटी सपोर्ट्स, जिस तरीके से कंपनी अपने आईटी प्रोडक्ट के मार्केट में है, आईटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है, ऐप्स प्रोवाइड कर रही है और उनके यूजर उनके ये सर्विसेज ले रहे हैं, तो उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स है उनको किल करने के लिए आईटी सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, हेल्प डेस्क की रिक्वायरमेंट है। तो ये जॉब भी बहुत तेजी से ग्रो अप में है। तो आप अगर अपने करियर को आईटी सपोर्ट्स के रूप में बनाना चाहते हैं, आईटी के अंदर अपनी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छी जॉब्स ओपनिंग है। 2022 से लेकर 24 तक इस वक्त आईटी सपोर्ट्स में जो है 590K जॉब ओपनिंग जो है वो आईटी सपोर्ट्स में है। नंबर 8 में जो जॉब प्रोफाइल है वो है डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट की जिस तरीके से रिक्वायरमेंट, डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में और पूरे डेटा एनालिसिस और डेटा के ऊपर ही उसको अच्छे से एनालिसिस करके उसके लिए नई स्ट्रेटजी, नई प्लानिंग और नई डेवलपमेंट के साथ में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो उसके लिए पूरी डेटा एनालिटिक्स की रिपोर्ट और एनालिटिक्स की जानकारी के बावजूद भी आप अच्छे रिजल्ट तक पहुँचते हो, तो ऐसे में डेटा एनालिटिक्स की जॉब काफ़ी ज़्यादा है। हर कंपनी इस वक्त अपने यहाँ पे डेटा एनालिटिस्ट को हायर कर रही है और इसी वजह से 22 से लेकर 24 के बीच में 360K जॉब ओपनिंग डेटा एनालिटिस्ट की दुनिया भर में है। नंबर 9 में आपके पास में जॉब ओपनिंग है फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट हर कंपनी को इस वक्त है, कैसे अपने कंपनी के बजट को, कैसे अपनी कंपनी के सर्विसेज को, कैसे अपने फाइनेंशियल डेटा को और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है, उसके लिए हर कंपनी अपने यहाँ पे एक फाइनेंशियल एनालिस्ट को हायर करती है जो उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए उनके लिए आने वाली या फ्यूचर की प्लानिंग को डिसाइड करता है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पर से पैसा निकालना है, कहाँ पर पैसा लगाना है, उन सब की जानकारी एक फाइनेंशियल एनालिस्ट कंपनी ऑनर और कंपनी मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है। तो इसी वजह से इस वक्त 360K जॉब्स ओपनिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल एनालिसिस के अवेलेबल है। तो जस्ट आपको चेक करना है कौन सा करियर चूज करना है। नंबर 10 पे आपके पास में है ग्राफिक डिजाइनर। काफी अच्छी रिक्वायरमेंट इस वक्त ग्राफिक डिजाइनर की है क्योंकि हर कंपनी को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, अपनी सर्विसेज प्रमोट करनी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नई चीजें आनी है, नए इवेंट्स होने हैं, तो हर कहीं पे रिक्वायरमेंट है हमें ग्राफिक्स की। अगर किसी भी प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए अच्छी ग्राफिक्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही वजह है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रोफाइल डे बाय डे ग्रो अप कर रही है। तो आप अपना करियर ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे भी जा सकते हैं। तो इसके लिए यही वजह है कि 22 से लेकर 24 के बीच में 355K जॉब ओपनिंग वर्ल्ड वाइड ग्राफिक डिज़ाइनर के हैं। तो ये थी आपके लिए दुनिया भर में टॉप 10 जॉब। तो अगर आप अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं, करियर प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। आप देख सकते हैं कि कौन से करियर को आपने टारगेट करना है और उसके अनुकूल अपने आप को तैयार करके आगे फ्यूचर में इस टाइप की जॉब प्रोफाइल के लिए आगे बढ़ना है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अगर आप इस वीडियो का कंप्लीट डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हो, जॉब ओपनिंग, जॉब प्रोफाइल और सभी कुछ अगर आप जानना चाहते हो, तो उसके लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.netinstitute.co.in पे जाकर आप विजिट करें, जहां पे कि इस वीडियो का कंप्लीट ब्लॉग आपको पूरी डिटेल के साथ में आपके लिए पब्लिश्ड है, जो कि हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा। आप वहां पे जाके भी आप इसको ले सकते हैं और अगर आपको कंप्यूटर्स में कोई भी कोर्सेज करने हैं, अपना करियर कंप्यूटर के फील्ड्स में बनाना है, तो .NET इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करें, जो कि आपके लिए कोर्सेज लेके आता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो .NET की, तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए वेबसाइट के लिंक हैं, चैनल्स के लिंक हैं, मोबाइल ऐप के लिंक हैं, जिनके ज़रिए आप जाके .NET सर्विसेज को आप ले सकते हैं।
हैं और .NET के साथ जुड़ के कंप्यूटर्स में अपना करियर बूस्टअप करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।